हेलो बच्चों, हाउ आर यू बच्चों? देखो, जैसा आपने कहा था कि सर प्लीज़ वीडियो बनाइए, दैट विल बी वेरी मच इंटरेक्टिव। तो मैंने कोशिश करी है शॉर्ट वीडियोस बनाने की। आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से अगर किसी और की हेल्प हो सकती है ना, जो एजुकेशन से बहुत दूर हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, सो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हैं। Alright, so here's my video. Hello students, how are you? My name is Abdesh, I'm your physics teacher, as you know. So this video is regarding the 10th class electricity chapter of physics, right? So this is the first chapter of your physics. So I'm just going to start this chapter, electricity. So in this electricity chapter, what we understand first is what is charge? Because reason is that suppose we have bulb here, right? And we have power supply here, right? In wires, you know what is flowing. It's electricity, right? It's current, that we denote it by capital I, right? But what is current? Current is nothing but charges are flowing inside this. So first we have to understand what is charge here, right? First we have to understand what is charge here. So charge, if you look at its motion, charge is of two types. First, charge is at rest, and when charge is in motion. जब भी charge rest में रहता है, जब भी charge rest में रहता है, ऐसे charge को हम लोग क्या बोलते हैं? Static charge. ये हम लोग 11th में पढ़ेंगे, ठीक है? आपके class में भी है नहीं, but you have to understand this. और जब भी charge motion में होता है, ठीक है? It always produces what? इट्स अ मूविंग चार्ज, राइट? मूविंग चार्ज, और ये मूविंग चार्ज ही एक्चुअली कॉजेज करंट, एंड इन मोर टेक्निकल लैंग्वेज इट्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, राइट? नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हेयर, अगर हम स्टैटिक चार्ज की बात करें तो स्टैटिक चार्ज रुका हुआ चार्ज होता है। अगर कोई भी चार्ज रुका हुआ होता है तो वो अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, सॉरी। और अगर चार्ज मूव हो रहा है, अगर ये चार्ज मूव हो रहा है तो ये अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे वायर्स में जब करंट फ्लो हो रहा होता है, ये अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर सपोज ये वायर है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, और जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे, इसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, राइट? सो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया इसका। नाउ कम टू द चार्ज। चार्ज के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं, राइट? कि चार्ज, चार्ज को हम दिखाते हैं कभी कैपिटल क्यू सिंबल से या तो स्मॉल क्यू सिंबल से। और चार्ज जनरली हम दो टाइप के ही समझते हैं। फर्स्ट इज़ पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज़ नेगेटिव चार्ज। नाउ व्हाट इज़ पॉजिटिव, व्हाट इज़ नेगेटिव? मान लीजिए अगर ये एक एबोनाइट या ग्लास रॉड है, अगर ये ग्लास रॉड है और ग्लास रॉड को अगर सपोज मैं किसी सिल्क क्लोथ पे अगर रब करता हूँ, तो होता क्या है कि कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होता है, रबिंग से एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, या तो इस मटेरियल से, या तो ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में जाएगा, या तो सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड में जाएगा। आपने फिनोमेना देखा होगा, जब भी आप कॉम्ब को लेते हैं, बालों में घिसते हैं, उसके बाद आप कोई भी बिट ऑफ पेपर के पास लाएँ तो उसको अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये हो चुका होता है कि अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज कहलाएगा, है ना? और इसके रिस्पेक्ट में ये जिसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, जिस बॉडी को, वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। अगर इस मटेरियल ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो ये रिलेटिवली पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है तो वो अट्रैक्टिंग बॉडी, वो जो अट्रैक्ट हो रही है बॉडी, उसको हम नेगेटिव चार्ज बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी बोलेंगे, राइट? तो चार्ज को एक्चुअली हमने दो तरीके से डिवाइड किया है। पॉजिटिव चार्ज तभी हम कहते हैं एक्चुअली इट्स अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव चार्ज मींस इट इज़ एक्चुअली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो हम वायर्स की बात करेंगे,
और वायर्स की बात करेंगे तो वायर्स में हमेशा यूज़ होता है मेटल्स, और जहाँ मेटल्स की बात होगी, मेटल्स हैज़ नियरली अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज हैं मेटल्स के अंदर। तो मेटल के पास एक्चुअली एक ही तरह का चार्ज होता है जनरली, एंड विच वी कॉल इट एज इलेक्ट्रॉन, राइट। और इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एक नेगेटिव तरह का चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम दिखाते हैं जनरली इस सिंबल से, और इसके जो चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10^-19 कूलम होती है। आपको पता है कूलम इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज, इसका मतलब हम ई की वैल्यू लिख रहे हैं, मतलब हम ई का चार्ज लिख रहे हैं, राइट। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ये एक ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब टोटल चार्ज, सपोज कोई बॉडी है, मान लीजिए पेन है, इस पेन के अंदर एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं बोलूँगा इस पेन पर टोटल चार्ज कितना है, तो मैं बोलूँगा इस पर जो टोटल चार्ज है लेट्स से क्यू, वो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है कि टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉडी इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, राइट। एंड दिस स्टेटमेंट इज समटाइम्स ऑल्सो नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये आपके लिए आगे जाके इम्पोर्टेंट रहेगी, अभी नहीं है, ठीक है। सो बच्चों, एक यूनिवर्सल लॉ है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। मतलब दोनों को पास लाएंगे तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, और वही पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ कि सिमिलर चार्जेस रिपेल्स और ओपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, राइट। अब बच्चों हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली मटेरियल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितना करंट पास करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को पास करते हैं। तो हम मटेरियल को जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज इंसुलेटर, सेकंड इज कंडक्टर। लेकिन आप जब 12th में जाएंगे, आप जानेंगे एक कैटेगरी और होती है सेमीकंडक्टर, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू इंसुलेटर एंड कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर अलाउइंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द मटेरियल, राइट। तो इंसुलेटर मतलब वो चीज़ जो कभी भी इलेक्ट्रॉन को पास नहीं होने देगी, राइट। और कंडक्टर मतलब वो कि जिसके पास प्लेंटी अमाउंट ऑफ चार्जेस होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, इसका मतलब दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू और दे अलाउ चार्जेस टू पास थ्रू द बॉडी। तो ऐसी बॉडी कौन कौन सी होती है, एक्चुअली जनरली सारे मेटल्स जो हैं दे आर कंडक्टर्स, फ्यू नॉन मेटल्स इज ऑल्सो कंडक्टर्स, बट वी हैव डिस्कस इट लेटर ऑन, राइट। नाउ स्टूडेंट, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज करंट हियर, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज करंट। सो फॉर दैट वी आर मेकिंग अ सर्किट, एंड दीज लाइन्स इन द सर्किट शोज द वायर कनेक्शन थ्रू विच करंट इज पासिंग, एंड यू सी दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी। बैटरी मीन्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, राइट। दिस लार्जर प्लेट विल बी डिनोटेड विद प्लस एंड दिस इज माइनस, ओके। एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड द बैटरी, राइट। दिस इज आई एंड दिस आई इज जनरली कन्वेंशनल करंट, राइट। बट इन एक्चुअल व्हाट हैपन, इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट ऑफ दिस नेगेटिव प्लेट्स, राइट। बट एज वी कैन अज्यूम इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू दिस, बट वी कंसीडर पॉजिटिव चार्ज कमिंग लाइक दिस
and passes through the circuit like this. But actually positive charge does not exist. So why we consider it like this? Because we assume just absence of an electron is positive charge. So whatever the direction electron is moving, we consider positive charges are moving here in the clockwise direction, right? So we assume whenever in circuit you see the direction of current, it is actually the conventional current, right? And we will use this conventional current in the circuit, right? But the actual direction of the current, electrons is anti-clockwise. So the current that is contributed by electron, that is known as electron current, but we do not show in the circuit, right? So that's this is too much for today. Okay, so we will cover up the next topic like voltmeter and potential difference and potential in the next class. Thank you so much, students. Thank you. In the last, students, you can pause this video, right? And you can read the contents if you want, what I have taught, and you can make notes from it. So you can pause the video and you can see it. And yes, please try to solve this question which is given in the NCRD, right? And here are the few details. Thank you.